आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं घर में लगे हुए ट्यूब लाइट के बारे में कि वह सही है कि नहीं सही है, चोक जो उसमें चोक लगा होता है वह कैसे उसको चेक किया जाए, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक चोक है, यहाँ पर एक और चोक है, दो चोक है और एक ट्यूब लाइट है, एक रॉड है। इसको कैसे चेक किया जाए सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसको जब भी चेक किया जाता है सीरीज के द्वारा ही चेक किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, चलिए पहले हम इसको चेक करने जा रहे हैं कैसे इसको चेक किया जाए कि यह सही है कि नहीं सही है। तो इसको चेक करने के लिए हमें सर्वप्रथम सीरीज का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक सीरीज बनाया है, इस सीरीज बल्ब के द्वारा हमें क्या करना है, इसको चेक करना। तो सीरीज के द्वारा क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा चोक है, इलेक्ट्रिकल जो चोक है, इसमें जो वायर है, इसमें जो आप देख सकते हैं दो चार वायर है, चार वायरों में दो इस तरफ का जो दो वायर है इसको आपस में क्या करना है, हमें इसको आपस में पहले इसको आपस में जोड़ देना है। यहाँ क्या करना है, हमें इसको आपस में जोड़ देना है। आप देख सकते हैं इसको आपस में जोड़ने के बाद, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको आप देख सकते हैं इसको जोड़ने के बाद जो तो दूसरा वाला सिरा है, दूसरे वाले सिरों को भी आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। इसको भी आपको जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, सीरीज बल्ब के द्वारा, सीरीज बल्ब के द्वारा हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। इसको चेक करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे। अगर हमारा बल्ब स्लो जलेगा, अगर हमारा बल्ब स्लो जलेगा तो मान लो ये जो हमारा चोक है वो 100% सही है। अगर बल्ब बहुत तेज़ी से जल रहा तब भी ख़राब है, अगर बल्ब नहीं जल रहा तब भी ख़राब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी सीरीज के द्वारा किसी भी उपकरण को चेक किया जाता है तो ज़्यादातर बल्ब को स्लो ही जलना चाहिए। तो आप यहाँ पे मैंने लाइट की सप्लाई दे दिया है, आप देख सकते हैं बल्ब कितना तेज़ी से जल रहा है। लेकिन अभी हमें इसमें क्या करेंगे, चोक के दोनों पॉइंटों में आपस में टच करेंगे, चोक के दोनों पॉइंटों में आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे टच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों पॉइंटों हमने टच किया, बल्ब देख रहे बहुत स्लो जल रहा है, इसका मतलब चोक हमारा बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं, तो उसी तरह क्या करना है हमें, इस चोक को आप देख सकते हैं दोनों आपस में जोड़ने के बाद हमने चेक किया। अब हमारे पास एक दूसरा और चोक है, इस चोक को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वायर नहीं है, ये मैनुअल चोक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें लाइट की सप्लाई देने के लिए आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंटों को आपस में टच करेंगे। आप देख सकते हैं बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब ये चोक हमारा ख़राब है। अगर यह चोक सही रहता तो बल्ब जलता, वो भी स्लो जलता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये चोक हमारा ख़राब है। उसके बाद ट्यूब लाइट को कैसे चेक किया जाए, तो ट्यूब लाइट को भी चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। ट्यूब लाइट के आप देख सकते हैं ट्यूब लाइट के दो पॉइंट बने, दोनों में आपस में लाइट को टच करिए। लाइट को टच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं लाइट को टच करने के बाद बल्ब जल रहा, लेकिन ट्यूब लाइट को अगर आपको चेक करना हो तो ज़्यादातर 200 वाट का बल्ब का प्रयोग करें, तो उससे 100% क्लियर हो जाता है कि यह जो हमारा देख सकते हैं हमारे पास एक 200 वाट का बल्ब है, इसको क्या करेंगे, हम सीरीज के बल्ब में लगाएंगे। अब उसके बाद लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब ट्यूब लाइट के दोनों पॉइंटों को आपस में टच करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब लाइट के आपस में टच करने के इसके अंदर का भी बल्ब जल रहा है, ट्यूब लाइट भी जल रही है, इससे आपको क्लियर पता चल रहा है। लेकिन 100 वाट का बल्ब से आप चेक कर रहे हैं तो ट्यूब लाइट के अंदर का बल्ब नहीं जल रहा है, आप अभी देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी आपको ट्यूब लाइट चेक करना है ज़्यादातर 200 वाट के बल्ब से ही चेक करिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। अब क्या करेंगे, इसके दूसरे वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे इसको भी हमें चेक करना है या सही है कि नहीं सही है। तो इसको चेक करने के लिए फिर हमें वही करना है, दोनों पॉइंटों को आपस में टच करना है। तो आप देख सकते हैं बल्ब जल रहा है, लेकिन ये 100 वाट का बल्ब है, 100। तो आप देख सकते हैं हमने 200 वाट का बल्ब लगाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रॉड जो हमारा ट्यूब लाइट जो है ये भी ब्लॉक कर रहा है, ये भी जल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह सीरीज के बल्ब से कोई भी उपकरण बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।